अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माई उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। गर्भिणी की 9 मास में प्रत्येक महीने की अलग अलग औषधियां लेने की व्यवस्था है। इनके लेने का एक लाभ यह होता है, माता और पिता में यदि कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं वह संतान में सबसे कम जाए या नहीं जाए, इसकी व्यवस्था इन औषधियों को लेने से होती है। उदाहरण के लिए माता अथवा पिता अथवा दोनों को डायबिटीज है और वह बालक में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रतिबंध इन औषधियों को लेने से होता है। उदाहरण के लिए डायबिटीज में पैंक्रियाज नाम का अवयव या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आयुर्वेद मत से यदि सूक्ष्म रूप से इसकी उत्पत्ति प्रथम मास में हो जाती है, परंतु तृतीय मास में इसका विकास देखा जाता है। अतः तृतीय मास की औषधि देने से बालक में डायबिटीज होने की संभावना सबसे कम या पूर्ण रूप से बंद हो सकती है। अब हम प्रथम मास में गर्भिणी को किन किन औषधियों को लेना चाहिए जिससे गर्भ का पालन हो, गर्भ स्वस्थ रहे एवं आगे भरपूर विकास हो। प्रथम मास के गर्भ में जो उत्पन्न होता है पिंड, उसे कलल कहा जाता है। यह रस धातु का बना हुआ होता है, अतः रस धातु अच्छी बनी रहे इसके लिए जिन औषधियों की आवश्यकता है उनका वर्णन अभी करेंगे। रस धातु यह शरीर के अंदर त्वचा को उत्पन्न करती है। यदि माता और पिता में किसी प्रकार का त्वचा का विकार है, वह बालक में न आ पावे तथा रस धातु से शरीर में सभी गतियां होती हैं, जैसे रक्त का दौड़ना और फुफ्फुस का आगे पीछे श्वास प्रश्वास की गति करना। इनमें जिन चार औषधियों का उल्लेख है उसमें मधुयष्टि, शाक बीज, पयस्या एवं देवदारु, इन चार औषधियों को एक महीने तक लेना चाहिए। चारों की सम्मिलित मात्रा 4 ग्राम होगी, 2 ग्राम सवेरे 2 ग्राम शाम को जल से लें। इनकी आज बाजार में गोली और सिरप दोनों रूप से मिलने की उपलब्धता या सुविधा है। इन औषधियों को लेने से बालक की रस धातु सुंदर बनी रहेगी। रस धातु के अच्छी बनी रहने से उसकी त्वचा अच्छी रहेगी, दीर्घ आयुष्य होगा, हृदय की गति में रस के कारण गति जो है अच्छी बनी रहेगी, फुफ्फुस की गति श्वास प्रश्वास में आराम रहेगा। यह इन दोषों इन दो द्रव्यों को लेने का लाभ है। आपसे ये औषधियाँ मार्केट में गोली रूप में, पाउडर रूप में, सिरप रूप में उपलब्ध हैं। आगे वाले मास के लिए हमारा दूसरा वीडियो क्रमशः आप देखते चलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।